सीनियर आसीस्टाट 18 पोस्ट अच्छी जो थे एज लिमिट 27 वर्ष रखा जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड तरफ मागिचे। जूनियर आसीस्टाट 57 पोस्ट अच्छे जो थे एज लिमिट 27 वर्ष रखा जाए। प्लस टू पास मागिचे। आसंतु संपूर्ण नोटिफिकेशन विषय जानिबा। लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन एवं ही सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन दबाई सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पात। वेलकम व्यूअर्स, आपण मानी नहीं आउ एक निजुक्ति खबर। निजुक्ति नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ एक ऑटोनॉमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर रे। स्क्रीन रे देखा जाउतबा इंपोर्टेंट डेट्स रे क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रे एक परिवर्तन होईछि। एहा 7 अगस्त 2020 पर्यंत एक्सटेंड कर दिया जाइछि। आसंतु जानिबा समस्त वैकेंसी विषय रे। प्रथम वैकेंसीटी होची सीनियर असिस्टेंट जेउथिरे 18 पोस्ट वैकेंसी अछि। एज लिमिट होची 27 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड रो करितिबा दरकार। द्वितीय पोस्ट होची जूनियर असिस्टेंट जेउथिरे 57 पोस्ट अछि। एज लिमिट 27 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे प्लस टू बा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करितिबा दरकार। जे कोनोसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रो करितिले मध्ये आपण माने आवेदन करिपारिबे। कंप्यूटर रे नॉलेज रहितिबा दरकार। तृतीय वैकेंसीटी होची जूनियर अकाउंटेंट जेउथिरे 7 पोस्ट वैकेंसी रहिछि। एज लिमिट 27 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे बैचलर डिग्री इन मैथ स्टैटिस्टिक्स डिग्री इन कॉमर्स करितिले आवेदन करिपारिबे। डिजायरेबल रे 3 वर्ष रे एक्सपीरियंस मागिछि। स्टेनोग्राफर पई 8 पोस्ट वैकेंसी रहिछि जेउथिरे 27 वर्ष होची एज लिमिट। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे सीनियर सेकेंडरी बा 12th प्लस टू पास करितिबा दरकार। एथिरे स्टेनोग्राफिक स्किल जहाँ 80/30 पर मिनिट रे आपण माने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करि परथुवा दरकार। एथिरे आपणकु टाइपिंग और शॉर्ट हैंड रो स्किल्स दरकार। एबे आसंतु जानिबा कंप्लीट कोउ कैटेगरी पई केते रिजर्वेशन रहिछे। सीनियर असिस्टेंट रे जो 18 पोस्ट रहिछे सेथिरे जनरल पई 11 एससी 2, एसटी 1, ओबीसी 4 वैकेंसीज रही। जूनियर असिस्टेंट 57 पोस्ट जनरल 28, एससी 7, एसटी 5 और ओबीसी 70 पोस्ट वैकेंसी रही। जूनियर अकाउंटेंट 7 वैकेंसी रे 5 होची जनरल, एससी 1, एसटी कौन सी वैकेंसी नहीं, ओबीसी 1 वैकेंसी रही। स्टेनोग्राफर रे 8 वैकेंसी रही जो थे जनरल मानों 5 पोस्ट, एससी 1 और ओबीसी 2 पोस्ट वैकेंसी रही। एसटी कौन सी वैकेंसी नहीं। आसंतु जानिबा आवेदन केमिति करिवे। एग्जाम टी टीसीएस द्वारा कंडक्ट करा जिवो। सो टीसीएस द्वारा एक लिंक दिया जाइछि जहाँ डायरेक्ट वेबसाइट को जिबे जो थे आपको रजिस्ट्रेशन करिवाक पड़िवो। एठि स्क्रीन रे देखंतु क्लिक हियर बोली दिया जाइछि सेथिरे क्लिक करि परिवे। नोटिफिकेशन पई डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाय डाउनलोड करि परिवे किंबा आपण मानक पई आउ एक सेपरेट वीडियो बनेबी जो थे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर दि जाइथिबो। आवेदन करिबा आगरु मन रखंतु कौन सब डॉक्यूमेंट्स जो थे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके रखा पड़ो जहाँ आपण को टीसीएस रजिस्ट्रेशन कला बेलू अपलोड करने को पड़ो। प्रथम हूँ 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, 12th क्लास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट। जदि आपण पाखे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अच्छे तेल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देवे। जदि कौन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रे काम करते एनओसी देवा पड़ो। जदि कौन कैटेगरी को बिलंग करते कास्ट सर्टिफिकेट और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने को पड़ो। निजर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जहाँ 30 मध्य होता दरकार ता देवे। आइडेंटिटी प्रूफ देवाक पड़ो जहाँ आपण माने एग्जामिनेशन टाइम रे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे शो करिवे ताहा मध्य अपलोड करिवा को पड़िबो। आपण मानंकु प्रत्येक वीडियो रे मु कहे जे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक वैलिड देथिबे कारण एबे समस्त जोगाजोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू रे ही करा जाउछे। आसंतु जानिबा एप्लीकेशन फी बाबद रे। नॉन रिफंडेबल 1500 प्लस जीएसटी जनरल कैटेगरी पई रखा जाइछि। नॉन रिफंडेबल 750 प्लस जीएसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी ईडब्ल्यूएस रखा जाए।
आसंतु जानिबा सिलाबस कौन रहिबो। सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट पाई ग्रेजुएशन लेवल रो एग्जामिनेशन हबो जेउथिरे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आसिबो, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन आसिबो। सर्वमोट 200 क्वेश्चन रहिबो जेउथिरे 3 घंटा रो परीक्षा हबो। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर रे सेम पेपर्स रहिबो किंतु 10th और प्लस 2 लेवल रो एग्जाम हबो। एथिरे मध्य सर्वमोट 200 क्वेश्चन रहिबो ओ समय 3 घंटा दिया जिवो। समस्त एग्जाम CBT माध्यम रे हबो बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हबो। निजर क्वेरीज पई आपण माने कांटेक्ट करि परिबे हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी ओ वेबसाइट दिया जाय छि स्क्रीन रे, सेथिरे जाय आपण माने जोगाजोग करि परिबे। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबारो धन्यवाद। एही पर जॉब नोटिफिकेशन पाया पई एबे सब्सक्राइब करंतु, वीडियो टी को लाइक करंतु और निजो सांगमानक सहित शेयर करंतु।